नमस्कार, मैं अनामिका। चलते हैं बिहार की 25 खबरों की ओर। गोपालगंज के प्रतीक्षा श्रीवास्तव का नाम दुनिया के मशहूर युवा वैज्ञानिकों में हुआ शामिल। गोपालगंज के पंचदेवरी ग्राम के रहने वाली बेटी प्रतीक्षा श्रीवास्तव का चयन जर्मनी सरकार के फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सहित हरित क्षेत्र व पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन, ऊर्जा एवं हरित से जुड़ी कई प्रोजेक्टों के लिए किया गया है, जिसमें 50 से ज्यादा युवाओं का चयन किया गया है। इसमें प्रतीक्षा का नाम भी शामिल है। डिप्टी सीएम मोदी ने कहा, जदयू के कप्तान है सीएम नीतीश। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भाजपा और एनडीए के बीच में चल रहे रिश्ते के बारे में कहा है कि सीएम नीतीश टीम के कप्तान हैं, इसलिए 2020 के होने वाले चुनाव में भी कोई भी बदलाव नहीं होंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेताओं द्वारा सीएम को गद्दी छोड़ने के सलाह दिए जा रहे हैं, जिसके जवाब में सुशील मोदी ने ये बात कही है। नालंदा के बिहार शरीफ में प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने शहर के स्मार्ट बनाने के लिए दिया आदेश, जिसमें शहरी क्षेत्र के बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करना, नाली को ढककर गली मापी कर सड़कों के किनारों के जगहों का चौड़ीकरण करने का, मछली मंडी को दूसरी जगह शिफ्ट करना एवं बेकार पड़े बिजली पोल को हटाने के साथ साथ प्रत्येक गली और मोहल्लों में लाइट लगाना भी शामिल है। सांसदों की योजनाओं की जानकारी के लिए विशेष केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार के हर एक जिलों में एक विशेष सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां लोग अपने प्रतिनिधियों की ओर से अनुशंसा की जानकारी कर सकते हैं, जिससे सांसदों ने कितनी योजनाओं की अनुशंसा की है इसकी जानकारी पूरे तरीके से सार्वजनिक रूप में केंद्र में उपलब्ध होगी। हम के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की विधानसभा चुनाव में 10 से 15 सीटों पर नजर। हम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम मांझी ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली है, जिसके लिए उन्होंने झारखंड सहित दिल्ली में भी चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा है। झारखंड में 3 से 4 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में तो गठबंधन है, पर दिल्ली में बिना गठबंधन के ही लड़ेंगे चुनाव। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की, जिसमें बीएसईबी ने 9वीं, 10वीं कक्षा और 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों के लिए शिक्षक टीजीटी और पीजीटी के लिए कुल 37,335 पदों के लिए भर्ती की सूचना जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2019 तक है और परीक्षा तिथि दिनांक 7 नवंबर 2019 है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश जी अपने बलबूते पर सीएम के जैसा कोई काम नहीं किए, ना तो उन्होंने अपनी छवि सीएम की बनाई और इसलिए भाजपा अब उन्हें और ढोने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर करा निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में भी परिवारवाद का बोलबाला रहा है। तभी रामविलास पासवान के बेटे नवीन पटनायक, स्टालिन और जगन रेड्डी ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। कांग्रेस और राजद में महागठबंधन को लेकर मतभेद हुए शुरू, जहां कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने विधानसभा सीटों में से सिमरी, बख्तियारपुर, नाथनगर और किशनगंज पर अपना दावा किया है, तो इधर राजद ने कांग्रेस को कंट्रोल में रहने को कहते हुए कहा है कि बिहार में नेताओं के दावों का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ दिल्ली में राजद के बड़े नेताओं से बात करके ही सोनिया गांधी कुछ तय करेंगी। सुशील मोदी का प्रियंका गांधी पर तंज। सुशील मोदी बोले, प्रियंका गांधी अपने पति और परिवार की इकोनॉमी सिस्टम को ठीक करने में लगी थी। अगर उन्हें देश की चिंता होती तो देश की अर्थव्यवस्था को यूपीए सरकार के 10 साल में हुए 10 लाख करोड़ के एनपीए गबन को बचाने के लिए मुंह खोलती और सरकारी बैंकों को घाटे में जाने से बचा लिया होता। अब भी उन्हें अपने परिवार को बचाने के लिए ध्यान देना चाहिए। नदियों को जोड़े जाने की पहल योजना की गई शुरू। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा सूबे की अन्य नदियों को जोड़ने की योजनाओं की संभावना पर कार्य करने जा रहा है, जिसके लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से बूढ़ी गंडक, मून बाया, गंगा लिंक योजना भी शामिल है। बिहार में 36 घंटों तक बारिश की संभावना न के बराबर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटों तक बारिश होने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दक्षिण बिहार में छिटपुट और उत्तर बिहार में बारिश होने की संभावना दिख रही है। जबकि आईएमडी पटना के मुताबिक रांची से मानसून की टर्फ लाइन ऊपर उठी तो बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना हो सकती है। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 11 में बिहार के सनोज बने करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सनोज राज ने करोड़पति बनकर बिहार का नाम रोशन कर दिया।
आपको बता दें कि सनोज अपने छोटे से गांव में एक किसान के बेटे हैं। उन्होंने बीटेक से पढ़ाई की है जो शहरी जीवन से बिल्कुल ही अपरिचित हैं और उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपनी योजना बताई है। बिहार में 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की होगी बहाली। बिहार में 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की होगी बहाली। बिहार सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2014 के अनुसार नियमावली के तहत राज्य के 28 इंजीनियरिंग और 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी को पूरी करने के लिए 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करने जा रही है, जिसमें SICTE के तय मानकों के आधार पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी और बेल्टन के माध्यम से लिखित परीक्षा लिए जाएंगे। पितृपक्ष मेला 14 से 28 सितम्बर तक। गया जिले में लगने वाले मेले में इस बार 14 सितंबर से 28 सितंबर तक पितृपक्ष मेला लगा रहेगा। यह मेला बोधगया से पुनपुन तक लगेगा, जिसमें भारत के अलावा देश के कई हिस्से और दूसरे देश के लोग भी अपने पितरों के श्राद्ध करने के लिए शामिल होंगे। सोनम कपूर की द जोया फैक्टर असल में धोनी को समर्पित। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने बताते हुए कहा कि यह फिल्म किसी खास क्रिकेटर को लेकर नहीं है, लेकिन यह फिल्म महेंद्र सिंह धोनी को ट्रिब्यूट है, जिनकी जर्सी का नंबर 7 है। बता दें कि फिल्म में इंडियन टीम के कप्तान का किरदार निभा रहे दुलकर सलमान की जर्सी का नंबर भी फिल्म में 7 ही है। वैशाली जिले के 105 साल पुराने शारदा सदन पुस्तकालय में 85,000 पुस्तकें। इसकी स्थापना सन 1914 में की गई थी, जिसके बाद 1934 में आए महाभूकंप में ध्वस्त होने के बाद चंपारण यात्रा के दौरान वहां पहुंचकर महात्मा गांधी ने पुस्तकालय के कायाकल्प के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 400 रुपए दिलवाया, जिससे बने भवन का नाम श्री गांधी वाचनालय रखा गया था। इस पुस्तकालय में अंग्रेजी, उर्दू, बंगला सहित विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं, परंतु सरकार का नहीं है इस पर ध्यान। अब DDO ऑफिस के चक्कर लगाने से हुआ छुटकारा। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने गाड़ियों के स्वामित्व परिवर्तन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें अब सभी पुरानी गाड़ियों को बेचने व खरीदने वालों के पते व फोटो वाले पहचान पत्र के साथ मूल स्वामित्व प्रमाण पत्र, RC बीमा प्रमाण पत्र व अद्यतन प्रदूषण सर्टिफिकेट के साथ DTO कार्यालय में ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जिसके बाद जाँच के पश्चात वाहन का RC जारी कर दी जाएगी। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने सर्विस चार्ज में किए बदलाव। अब इस योजना के तहत अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने पर 80% कमी आ जाएगी, जिसमें बैंक अकाउंट खुलवाने वाले लोगों के लिए मेट्रो शहरों में 5,000 से 3,000 रुपए तक मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी था। अब इसे घटाकर 1 अक्टूबर से 3,000 से 75% से अगर ज्यादा कम होता है GST लग सकता है, साथ ही ट्रांजेक्शन को चार्ज फ्री कर दिया गया है। सरकार कराएगी दुधारू पशुओं का बीमा। पशुपालकों को आर्थिक मंदी से निजात दिलवाने के लिए सरकार अब दुधारू पशुओं का बीमा कराने जा रही है। पशुपालन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार पशुओं की हालत असमयकालीन खराब होने से पशुपालकों को हुए नुकसान से निजात दिलाने के लिए कदम उठाए गए हैं। सबौर स्टेशन का बदला गया लुक। रेलवे ने सबौर स्टेशन का लुक बदल दिया है। प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और शौचालय से लेकर स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज को चकाचक कर दिया गया है। रेलवे ने सभी यात्रियों से इसे मेंटेन रखने की अपील भी की है। 2011 के बाद 8 सालों के बाद हुआ STET परीक्षा का आयोजन। शिक्षक नियोजन प्रस्तावित STET 2019 की परीक्षा में आर्ट्स, कॉमर्स और अन्य भाषा विषय को शामिल नहीं किया गया है। इस विषय पर संघ ने लिखा है कि शिक्षा मंत्री और विभाग को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अन्य विषय को भी प्रस्तावित STET 2019 परीक्षा में शामिल कर उनके साथ न्याय किया जाए। सोने के रेट में आई गिरावट। बीते दिनों सोने के भाव में 400 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जो कि 38,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। अब इधर एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले अक्टूबर और नवंबर माह तक इसके भाव 42,000 तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो अब जानते हैं बिहार के मौसम के बारे में। औरंगाबाद, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया और राजगीर में बादल छाने के साथ आंधी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि छपरा, फारबिसगंज, मधुबनी, मोतिहारी और सुपौल में सामान्य बादल छाए रहेंगे, साथ ही साथ आंधी और बारिश होने की भी संभावना है। साहू फिल्म पर गाने को लेकर लगी ब्रेक। श्रद्धा कपूर और प्रभास की हिंदी फिल्म साहू ने 400 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है, जिसमें एक गाने की वजह से फिल्म पर ब्रेक लग चुकी है। इस फिल्म में नील, नितिन, मुकेश, जनकी पांडे, जैकी श्रॉफ,
महेश मांजरेकर और मंदिरा बेदी ने खास भूमिका निभाई है। पटना सहित बिहार के सभी स्टेशनों पर प्लास्टिक का उपयोग करना हुआ मना। पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के अन्य स्टेशन पर भी सिंगल प्लास्टिक का उपयोग पर पूरी तरीके से बंद करने का निर्देश कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।